आज हम क्लासिक्स की ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल, द सन, इट प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेस्ट्रॉइड। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अदर दूसरे आकाशीय पिंड जो हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड, ग्रहिका, मेस्ट्रॉइड्स, उल्का पिंड मिलकर के फॉर्म दी सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, हम प्रायः इसको सौर परिवार कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और इसका मुखिया सूर्य है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में बीच में सूर्य है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड गैसेस, ये बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये पुलिंग फोर्स बहुत ताकत से खींचता है जिससे पूरा सोलर सिस्टम बाइंड माने बंधा रहता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के लिए और सौर परिवार के लिए सूर्य ही एकमात्र प्रकाश और गर्मी देता है। बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच, लेकिन बहुत अधिक गर्मी नहीं महसूस की जाती है क्योंकि बाई अस हमारे द्वारा, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ये यद्यपि ये हमारा सबसे नजदीक का तारा होने पर भी इट इज फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे काफी दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सूर्य लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर है। अब दूसरी हेडिंग है प्लैनेट्स, ग्रह। देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर उनको हम सूर्य से दूरी के क्रम में याद करें, दे आर, पहला है मरकरी जो सूर्य के पास है, उससे दूर वीनस, उससे दूर पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको अगर सरल तरीके से याद करें तो ए वेरी इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर इनको हम सरल तरीके से याद करना चाहें तो ये लाइन याद कर लें, माई यानी मरकरी, वेरी वीनस, इसे अर्थ मतलब माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसका पहला अक्षर एक बार लाइन रटने के बाद आराम से याद हो जाएगा। पहला जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पैथ, सारे 8 प्लैनेट जो सौर मंडल के हैं वे एक निश्चित रास्ते पर, निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दीज पैथ्स आर एलोंगेटेड, ये रास्ते लंबे हैं, लंबाई में है, मतलब लंबे नहीं लंबाई में गोल। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको हम कक्ष कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट द सन, मरकरी जो है सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य के सबसे पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, इसको केवल
अपने कक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 days लगते हैं। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का जुड़वा कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका आकार और इसका शेप लगभग पृथ्वी के बराबर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड ए प्लैनेट। 2006 अगस्त तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना गया था। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वाज टेकन एंड प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सर्च 2003 यू बी डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट। जो मीटिंग हुई थी ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट माना जाएगा क्योंकि ये उस प्लैनेट की सभी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी से सूर्य से तीसरे नंबर पर है दूरी के हिसाब से। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट और आकार में इसका स्थान पांचवा है। यानी चार प्लैनेट इससे बड़े हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये ध्रुवों पर थोड़ी फ्लैटेंड यानी चपटी है। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए ज्वाइंट। इसलिए इसके आकार को ज्वाइंट कहा गया है। ज्वाइंट का अर्थ होता है ज्वाइंट मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, एक पृथ्वी जैसा आकार। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवन को चलाने वाली जो दशाएं हैं जो स्थितियां हैं शायद केवल पृथ्वी पर ही है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर। पृथ्वी पर वाटर भी है एयर भी है विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। हवा में जीवन को चलाने वाली गैसें जैसे कि ऑक्सीजन होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी कारण से पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में सौर मंडल में एक अद्वितीय प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। बाहर से देखने पर हमारी जो पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है सतह का वो पानी से घिरा हुआ है वाटर से। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा गया है ब्लू प्लैनेट। द मून। अब चंद्रमा के बारे में सुनो। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है दैट इज द मून और वो है चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये इसलिए बड़ा दिखाई देता है कि जो दूसरे आकाशीय पिंड हैं उसमें ये सबसे नजदीक है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये लगभग 384,400 किलोमीटर हमसे दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप जो हैं पृथ्वी से
चंद्रमा की दूरी और सूर्य की दूरी की तुलना कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 डेज में चक्कर लगा लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और अपनी जगह पर ये घूमने में, अपनी धुरी पर घूमने में भी ये इतना ही समय लेता है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, केवल चांद का एक ही साइड हमें दिखाई देता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चांद पर जीवन को सपोर्ट देने वाली स्थितियां नहीं हैं। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, ना तो इस पे जल है ना वायु है। इट हैज माउंटेन्स डिप्रेशंस प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, इसमें पर्वत हैं, मैदान है और गड्ढे हैं। इसकी ऑन इट सरफेस, इसकी सतह पर, दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, ये पहाड़ जो हैं ऊंचे ऊंचे, ये मून के सरफेस पर छाया डालते हैं। शैडो, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शैडोज, पूर्ण चंद्रमा को देखो और इन छायाओं को ध्यान से देखो। एस्ट्रॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, तारों से प्लैनेट, ग्रहों, सैटेलाइट उपग्रहों के अलावा, There are numerous tiny bodies, बहुत सी छोटी छोटी bodies हैं, which also move around the sun, जो भी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। These bodies are called asteroids, इन bodies को ग्रहिका कहते हैं, यानी asteroids कहते हैं। They are found between the orbit of Mars and Jupiter, वे मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, वैज्ञानिकों का विचार है, दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट, कि एस्ट्रॉइड्स पहले किसी ग्रह का हिस्सा थे, विच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स एगो, जो बहुत वर्ष पहले टूट करके अलग हो गए। अब मैं मीट्रॉइड्स, इट इज उल्कापिंड, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको मेट्रॉइड्स या उल्कापिंड कहा जाता है। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आ जाते हैं, टेंस टू ड्राप अपॉन इट, और इस पर गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, इस प्रक्रिया में घर्षण के कारण, विद द एयर, हवा में घर्षण इनका होता है, दे गेट हीटेड, वे गर्म हो जाते हैं एंड बर्न, और जल जाते हैं। इट काजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, इस प्रकार कभी कभी हमें फ्लैश ऑफ लाइट, प्रकाश दिखाई, प्रकाश की चमक दिखाई देती है। समटाइम्स ये मीटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ, कभी कभी उल्कापिंड बिना पूरा जले हुए पृथ्वी पर गिर जाता है, एंड काजेज ए हालो, क्रिएट्स ए हालो, और गड्ढा बना देता है। डू यू सी ये व्हाइट इज ब्रॉडबैंड, क्या आपने लाइक ए वाइट ग्लोइंग पैथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट, क्या कोई साफ जिसमें तारे खूब चमक रहे हो रात में, ऐसी रात में आप ध्यान से देखिए, बहुत घने घने तारे एक सड़क जैसी आकाश में बनाते हैं। इट इज द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये लाखों तारों का एक समूह है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इस बैंड का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक भाग है।
इन एंशियंट टाइम इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन भारत में इसको आकाश में बहती हुई लाइट प्रकाश की नदी माना गया था। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया था। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो है लाखों तारों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, इसमें धूल और गैसों के बादल भी होते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ऐसी लाखों गैलेक्सी हैं जो ब्रह्मांड की रचना करती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, इसीलिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इसके आकार के बारे में निश्चित नहीं है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, लेकिन हम ये जान गए हैं कि हम सभी आप और मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके okay.